ये है प्रिज्मेटिक कॉम्पास। इस प्रिज्मेटिक कॉम्पास की मदद से ही हम लोग रीडिंग लेते हैं। कैलकुलेशन करना है रीडिंग फील्ड में जाके, तो इसको निकलना है पहले, खोलना है। तो ये आ गया प्रिज्मेटिक कॉम्पास। इसके ऊपर एक प्लेट है, ये मेटल का प्लेट, जनरली मेटल का ही होता है। तो ये जो है, ये है ऑब्जेक्ट वेन। इसको थोड़ा ऐसे प्रेस करके ऊपर उठाना है। इसको ऑब्जेक्ट वेन कहा जाता है, ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन में क्या क्या है, ये है एक हॉर्स हेयर है, ये है हॉर्स हेयर, इसको हॉर्स हेयर बोलते हैं, जिसके मदद से हम लोग रीडिंग नोट करते हैं। तो ये है हॉर्स हेयर, ये हॉर्स का माने हेयर है, इसको लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है हॉर्स का हेयर, इसका कारण है कि टेम्परेचर की वजह से इसको ये कोई चेंज ना हो, या दूसरे कारण से ये कोई चेंज ना हो, ये पूरा स्ट्रेट रहता है, इसीलिए हॉर्स हेयर यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर एक मिरर है, ये जो मिरर है स्लाइडिंग मिरर है, इसको रीडिंग लेने के टाइम पे यूज़ करते हैं हम लोग। फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग के टाइम में ये काम आता है। जब फॉरवर्ड बियरिंग हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसी टाइम ये बैकवर्ड बियरिंग लेने में मदद करता है। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट वेन का डिटेल्स। अभी देखो इस साइड में देखते हैं पहले, ये जो है ये है प्रिज्म, ये प्रिज्म है। प्रिज्म को ऐसे करके हम लोग मूव कर सकते हैं। तो पहले इसको प्रिज्म को खोलना है, ये सेट हो गया अभी। तो प्रिज्म ऐसा था, फोल्ड किया हुआ था, तो इस फोल्ड को खोलना है, ये हो गया। तो ये है प्रिज्म, और प्रिज्म के अंदर में क्या है, ये है आई होल। ये आई होल जहाँ हम लोग को रीडिंग लेना है, इस आई होल की मदद से ही रीडिंग लेना है। और ये जो एक कटा हुआ दाग है, इसको बोलते हैं आई स्लिट। और इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये है फोकसिंग स्टैंड। ये ऊपर नीचे करने क्यों, ये ऊपर नीचे करने के क्यों करेंगे हम लोग, जब कोई रीडिंग जो है, हम लोग जब रीडिंग देखते हैं इंस्ट्रूमेंट में, अगर वो रीडिंग ठीक ठाक ना आए, उसको वो हेजी आ गया, देखने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके फोकस करना है, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे करके फोकस करना है, तो आपका रीडिंग क्लियर हो जाएगा, हेजी नहीं आएगा। और दूसरा एक है, ये है सनग्लास है, इसमें ये सनग्लास को खोल सकते हैं हम लोग। ये दो सनग्लास यहाँ पर लगा हुआ है, किसी इंस्ट्रूमेंट में तीन भी रहता है, तो ये ऐसे खुल के यूज़ कर सकते हैं। क्यों ये दिया हुआ है, यहाँ जब शाम की ओर हम देखेंगे तो रीडिंग लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, आँखों में पूरा वो लाइट की वजह से रीडिंग लेने में दिक्कत होता है, तब ये सनग्लास हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो रीडिंग क्लियर आ जाएगा। ओके, और इसमें एक चीज़ है, प्रिज्म के नीचे देखो, ये एक क्लिप है, इसको हटाना है। अगर इस क्लिप को नहीं हटाएंगे तो कभी भी रीडिंग नहीं देख पाएंगे हम लोग। तो ये आई वेन है, तो ये इसको हटाना है, तभी रीडिंग आएगा। तो इसको हटा के करके ही रीडिंग लेना है। इसको हटाने के बाद इसको फोल्ड करना है, उसके बाद ही ये आई होल जो है, इससे रीडिंग लेना है। तो अभी ये आ गया प्रिज्म का साइड, ये आ गया ऑब्जेक्ट वेन का साइड। अभी बीच माने मिडिल में जो है, ये है ग्रेजुएटेड रिंग है, ये बड़ा वाला जो है ये रिंग है, ये जनरली एलुमिनियम का होता है, और नीचे एक मैग्नेट लगा हुआ है। तो उस मैग्नेट की वजह से ये रिंग जो है अपने आप सस्पेंडेड करते हैं, तो उस अपने आप ही नॉर्थ लाइन दिखाएंगे, उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट जो आई पीस जो है, ये आई होल और ये जो हॉर्स हेयर है, ये हॉर्स हेयर और आई होल, इन दोनों में देख के हम लोगों को पैरेलल करना है और रीडिंग लेना है। रीडिंग लेने के टाइम पे जो आई होल है, थोड़ा नीचे की ओर देखना है, नीचे की ओर देखने से रीडिंग क्लियर आ जाएगा। और थोड़ा कभी रीडिंग ना आए तो थोड़ा ऊपर नीचे देखना है, देखते देखते रीडिंग अपने आप आ जाता है। और ये जो रीडिंग ग्रेजुएटेड रिंग है, रिंग का रीडिंग जो है उल्टा लिखा हुआ है, वो प्रिज्म इसीलिए है कि वो उल्टा रीडिंग सीधा 90 डिग्री एंगल में आ जाता है हम सर्वेयर के पास। तो इस तरीके से रीडिंग आप लोगों को लेना है। यही है इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स, और पीछे जो है एक स्क्रू का होल है, इसमें ही स्टैंड लगाते हैं हम लोग, स्टैंड लगा के रीडिंग लेना है। और ये एक ऊपर में एक ग्लास आता है, और यार एक इम्पॉर्टेंट बात, ये साइड में एक देखो ये लिफ्टिंग पिन है। जब भी आपका इंस्ट्रूमेंट घूमने लगे, थोड़ा हिलने लगे, दिक्कत हो रहा है रीडिंग में, तो आपको क्या करना है, ये जो लिफ्टिंग पिन है, इसको थोड़ा प्रेस करना है, थोड़ा सा प्रेस करने से ही ये हिलना जुलना बंद हो जाएगा। ये देखिए ये बंद हो गया, अभी हिल रहा है,
इसको हिलाओ, ये हिल रहा है तो इसको लिफ्टिंग पिन मैंने प्रेस कर दिया, ये बंद हो गया रीडिंग। अभी कुछ नहीं होगा, रीडिंग अपने आप इजीली आप लोग ले सकते हो। तो इस तरीके यूज़ करके आप इजीली प्रिज्मेटिक कंपास का रीडिंग जो है आप ले सकते हो। तो ये है प्रिज्मेटिक कंपास। नेक्स्ट दिन हम लोग फील्ड में जाके रीडिंग दिखाएंगे कैसे रीडिंग को लेना है। ओके, थैंक यू।